नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो है, ये मेरी दिल्ली की, जो हमारा दिल्ली में ऑफिस है उसकी विजिट से रिलेटेड है। दिल्ली के अंदर मैं अभी 26, 27 और 28 सैटरडे, संडे और मंडे को मैं दिल्ली के अंदर हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर एक डेडिकेटेड नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आपको स्लॉट देख के अपॉइंटमेंट का टाइम दे दिया जाएगा अगर आपने हमसे मिलना है। अगर आप मेरा कोई ओपिनियन चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, मैं आपको बता सकता हूं कि आप जहां जहां पर एलिजिबल हैं। मुझसे फिज़िकल मिलना चाहते हैं तो आपको हमसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ताकि फिर मैं आपके केस को प्रॉपरली वर्कआउट करके आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें गाइड कर पाऊँ। अदरवाइज इट इज़ द टाइम वेस्ट है, आकर गप्पे मारी जाना है, सर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। MBBS वाले बच्चों के खूब फ़ोन आ रहे हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, जहाँ जो बच्चे ऑलरेडी गलत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टक हो चुके हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं, वो बच्चे हमें बहुत फ़ोन करते हैं। फॉरेन कंट्री में, विदेशों में फ्री में पढ़ने के लिए कोई ऑप्शंस देख रहे हैं, जहाँ इकोनॉमिकल ऑप्शंस देख रहे हैं, वो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम वैसे वैसे गाइड कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका बजट आपके प्रीवियस बैकग्राउंड देखने के बाद आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए गोल्डन वीज़ा बेटर रहेगा या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी बेटर रहेगी, उनको देखने के बाद मैं गाइड कर सकता हूँ। रिटायरमेंट वीज़ाज है हमारे पास, अगर आपके पास पैसिव इनकम है यहाँ पर एक अमाउंट की पर मंथ, तो आपको वो भी गाइड किया जा सकता है। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट ले सकते हैं। किसी भी कंट्री का वीज़ा आपका ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, आपके ऊपर बैन लग चुका है, आप ओवरस्टे होकर आए हैं, आप डिपोर्टेड होकर आए हैं, आपका असैलम डाला था वो रिजेक्टेड हुआ है और आप वापस इंडिया में आए हैं, उसके बाद भी फॉरेन कंट्री के कोई ऑप्शंस देख रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल को चेक करके बताया जा सकता है कि हम आपको कहां पर भेज सकते हैं। हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, 60 कंट्री के ऑप्शन है जहाँ पर हम MBBS के लिए बच्चों को भेजते हैं। लाखों रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जब मैं बताता हूँ कि मेरी कंसल्टिंग फ़ीस मिलने की इतनी है तो आप घबरा जाते हैं। मैंने फिर बताया, हमारी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी पर्सन, फैक्ट बताते हैं। वीक प्रोफाइल होगी तो मैं इन द फ्रंट बताऊंगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इन कंट्रीज़ में ट्राई करने का। लाखों रुपए बच सकते हैं आपके इस रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के बाद, बट हमारे पास कोई मीठी मीठी गोलियाँ नहीं हैं। हम बार बार आपको फ़ोन करके बताएँ कि आज ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन का, ऐसा हमारा बिल्कुल मोटो नहीं है। सीरियस हैं, एक ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाने से पहले। अगर आपके पास यहाँ पर अच्छी इनकम है तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि फॉरेन जाने के बेनिफिट नहीं है। मैं ये नहीं देखूँ कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलने हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट जहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको MBBS सीट इंडिया के अंदर 50 से लेकर 60, 70, 80 लाख में मिलती है, तो मैं कहूँगा कि इंडिया में आप MBBS करेंगे। इंडिया की मैं तो करता नहीं हूँ, तो इंडिया में करें इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्री में, वो भी आपके पैसे बच सकते हैं। क्योंकि मैंने आप जब आपको फॉरेन कंट्री में भेजना है, मुझे तो और पैसे मिलने हैं, बट वो आपके रजिस्ट्रेशन फीस करवाने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट हो सकता है। मैं रिपीट कर दूं, 26, 27 और 28 सैटरडे, संडे और मंडे दिल्ली ऑफिस में हूँ। नंबर डेडिकेटेड लिखा हुआ है, सीरियस है तब आएँ, अदरवाइज चैनल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जे भी वीडियो है फ्री में वॉच कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे पास स्पाउस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं, अगर आपने पढ़ने के लिए विद स्पाउस जाना है, विदाउट IELTS जाना है, प्रोफाइल चेक करने के बाद वी कैन गिव द प्रॉपर गाइडेंस। जो भी आपने हमें रिटेनिंग फ़ीस दी है, जहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है, ये फ़ीस एडजस्टेबल है केस के अंदर, बट इट इज़ नॉट रिफंडेबल। ये भी मैं रिपीट कर दूँ, ये नहीं हम चाहते कि बाद में एक दूसरे के साथ फाइट करें, उसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट करें। काम करने वाले हैं, काम करते हैं, वीज़ा एम्बेसी ने देना है, परसेंटेज बता सकता हूँ कि कितने परसेंटेज हैं। धोखाधड़ी का काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करें। फिर बता दूँ, दिल्ली में मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू।